13 मई साल 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया था। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम में परिवर्तित किया गया। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई साल 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल अध्यापन के क्षेत्र में दिए। वे साल 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु के थिरुत्तानी में हुआ था। उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1952 को वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। साल 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।